पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह के बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। बहनों और भाइयों, देश के संकट के समय राहुल जी को 140 करोड़ के भारतवासी याद नहीं आते, उस समय उन्हें याद आती है इटली में नानी याद आती है। जो आपके संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते तो क्या उनको चुन करके भेजना चाहिए क्या? एक गलती कभी मत करना। यह देश लगातार गलती पे गलती क्या करता गया कि इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों ने देश में आतंकवाद की जननी कांग्रेस, उग्रवाद की जननी कांग्रेस, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस और माफिया और कांग्रेस तो ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चोली दामन का इनका साथ हो गया है। वह माइनिंग माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के साथ इनका गठजोड़ है। ये जनता जनार्दन का शोषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा का नाम है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने का नाम है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को हर गरीब तक, हर किसान तक, हर नौजवान तक, हर महिला तक पहुंचाने का नाम है। बहनों और भाइयों, मुझे बताओ ये कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था कि नहीं करता था? आज देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो गया है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया?